अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं शादी और आप देख रहे हैं शादी मुकद्दस यूट्यूब चैनल। तो आ चुके हैं गाइस आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। तो आज की भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आज की वीडियो बेसिकली जो है ना वो ईद का तीसरा दिन है और आसिम जो है ना वो गए हुए हैं काम पर। पहले दिन भी हम कहीं नहीं जा सके, दूसरे दिन हम गए थे आप ही घर पर। तो आज जो है ना वो हम घर पर जो है ना वो अभी तक जो है ना वो घर पर हैं। तो यहाँ पे खा रहे हैं गाइस हम खाना, और यहाँ पे जो है ना वो रिहान लेकर आ गए। सुबह मैंने बनाया था आज भंडे का सालन, तो रिहान ने जो है ना वो लेकर आ गए। कुछ और बना के देखे हैं साथ रोटी भी, अभी बच्चों को देखते हैं बना के खाना। तो गाइस बच्चों को जो है ना मैंने अंदर कमरे में ना एसी लगा के बिठा दिया है, क्योंकि सुबह लगा लो 10:30 बजे जो है ना वो लाइट गई थी, और अभी अभी जो है ना वो रिसेंटली घंटा डेढ़ हुआ है लाइट आई है, और फ्रिज से भी जो है ना वो पानी निकल रहा था। तो फ्रिज के साथ भी जो है ना मैंने पोछा रख दिया है। और यहाँ पे हमने आज खाने में बनाया है आलू और अरबी का सालन। तो खाना जो है ना मैंने जैसे ही लाइट आई मैंने बच्चों को फौरन से खाना दे दिया, और बच्चों ने मुझसे फरमाइश कर दी है अब मीठे की। बच्चों ने मुझसे फरमाइश की है कि मम्मा आप हमें बना के दे मीठा। एक तो ईद के पहले दिन बनाया था, वो था सरप्राइज, यानी कि हम लोगों ने दोपहर में जो डिनर करना था उसके साथ जो है ना वो लंच करना था सॉरी उसके साथ जो है ना वो आसिम को देना था सरप्राइज। तो हम सब ने जो है ना वो मिलकर आसिम को दिया सरप्राइज, आसिम को बहुत अच्छा लगा। वो हमने बनाया था मैंगो डिलाइट। और जिसने अभी नहीं वीडियो देखी जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अभी यहाँ पे बहुत सारे मैंगोज आ ना आपको कट करके नजर आने, ये बन रहा है 5 मिनट्स क्विक मीठा। तो ये बनाने के लिए जो मैंने 3 बड़े बड़े साइज के जो मैंगो लेके उनको अच्छी तरह से जो है वो क्यूब्स कर लिया, जो बाकी उसका पल्प बचा है वो भी निकाल लिया है। और घर पे जो भी आपका सामान होगा ना वो घर पे ही होगा, घर से ही निकल जाएगा। और 2 से 3 जो है ना वो मैंने ली है ब्रेड, ठीक है शायद ये पूरी ना जाए, 2 से 3 ही जाए। अच्छा जी इसकी बना लेते हैं हम प्यूरी, साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी, साथ साथ आप बनाती रहूंगी, ठीक है? क्योंकि ये अच्छे से चीज हो के जो है ना वो ठंडा होकर सर्व होगा। अच्छा हाफ मैंगो जो है ना मैंने प्लेट में रहने दिए हैं क्यूब्स, और हाफ जो है ना वो मैंने ब्लेंडर जग में डाले हैं, और इसको मैं करूंगी इसकी प्यूरी बनाऊंगी। इसके अंदर मैंने कोई चीनी कोई पानी, ये देखिए कोई चीनी कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं किया है। अच्छा जी यहाँ पे हमने अपनी ब्रेड भी जो है ना वो कट कर ली है, मैंने इसके जो है ना वो साइड जो है ना कॉर्नर्स वो उतार दी है। तो आप चाहें तो आप उतार सकते हैं, आप चाहें तो आप नहीं उतार सकते। और यहाँ पे हमारी जो है ना वो प्यूरी भी, ये देखिए प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा आप सोच रहे होंगे मीठा है तो जाहिर सी बात है मैंगो है, मैंगो के अलावा जो है ना वो मीठा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा इसमें मीठा, इसमें मीठा का बगैर जाहिर सी बात है मीठा कैसे जा सकते बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने ले ली है चीनी, चीनी इसके अंदर किस तरह जाएगी और किस स्टेज पे जाएगी वो भी आपको भी बताते हैं जी। फर्स्ट लेयर मैंने इसकी जो है ना वो ब्रेड की जो है ना इसके ऊपर सजा दी है, और सेकंड अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये मैंगो क्यूब्स, ठीक है? अच्छा वैसे ये जो है ना वो स्क्वायर डिश में ही ज्यादा जो है ना वो खूबसूरत लगता है, क्योंकि फैली फैली होती है तो उसमें, लेकिन आपके पास अगर स्क्वायर हो तो आप उसमें जो है ना उसी में ही कीजिएगा, ठीक है? अच्छा अब हमने डाल दी इसके ऊपर मैंगो के चंक्स, ठीक है? और अब बारी है इसके ऊपर डालने की चीनी। अच्छा इस स्टेज पे लोग डालते हैं कंडेंस मिल्क, नहीं है कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप जो है ना इसके ऊपर चीनी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। देन इसके ऊपर आप डालेंगे मिल्क पाउडर, ठीक है? ये आपको बहुत ही एक रिच फ्लेवर देगा, बहुत ही जो है ना वो एक खोए खोए का जो टेस्ट आता है ना वो देगा। वरना आप जो है ना वो कंडेंस मिल्क आप घर पे भी बना सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं, ऐसा कोई बिग वो नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना इस वक्त क्विकली बच्चों को मीठा बना के देना था, तो मैंने जो है ना वो क्या किया कि मैंने इसका अल्टरनेट जो है ना वो ये ढूंढा है। तो आपने ये लाजमी ट्राई करके जो है ना मुझे बताना है कि मैंने जो इसका अल्टरनेट ढूंढा है क्या ये अच्छा है सही है। तो बस अभी जो है ना मैं इसकी सेकेंड लेयर भी स्टार्ट करना स्टार्ट हो चुकी हूँ, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक। अच्छा जी सेकंड लेयर हमारी जो है ना यहाँ पे असेंबल होने जा रही है। अच्छा मैंने आपको बताना भूल गई, इसमें मैं डाल रही हूँ नट्स भी। नट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं अवेलेबल होना तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आपने जो है ना वो लाजमी डालने ही डालने। अच्छा मैं इंटरेस्ट पे यानी कि सामने फ्रंट पे नहीं डाल रही, मैं डाल रही हूँ अंदर, ठीक है? तो मैं अब आपको इसको फाइनल रेडी करके बताती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी प्यूरी बची थी, उसमें पैकेट था मेरे पास हाफ मिल्क पैक क्रीम का, तो वो मैंने इसको ब्लेंड अच्छे से कर लिया है। अब ये जो लास्ट में इसके ऊपर बचा है मैं इसके ऊपर इसको ये देखें स्प्रेड कर दूंगी सारा। अच्छा जी मैंने इसको जो है वो इवनली स्पून के साथ ही इसको कर रही हूँ मैं स्प्रेड। देखने में देखिए कितना टेम्पटिंग और कितना यमी लग रहा है, और जब आप इसको मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना तो हाँ क्या ही बात होगी। अच्छा थोड़ी सी जो है ना मैं इसकी डेकोरेशन बढ़ाने के लिए ना मेरे पास थोड़ी सी प्यूरी बची हुई थी, तो मैं इसको इस तरह जो है ना वो मैसी मैसी करके जो है ना इसके ड्रॉप्स डाल देती हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको
आपको बताती हूँ मैं इसके साथ क्या करूँ, ठीक है। आपने इस मीठी को लाजमी 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 ट्राई करना है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम बजट में रेडी होता है। हर चीज़ जो है ना वो आपके घर से ही निकल जाती है, तो इसीलिए आपको जो है ना वो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके जो है ना ऊपर इस तरह के डॉट डॉट्स लगा दिए हैं। अब मैं लेती हूँ एक नाइफ जी, अब मैंने लगा दिए इसके ऊपर डॉट्स और मैंने ले लिए नाइफ। आप कोई भी जो है ना वो ले सकते हैं, स्पून वगैरह या फोक चम्मच, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं इस तरह ना इसको करके इसकी वो कर दूँगी डिज़ाइनिंग, थोड़ी सी जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग कर दूँगी ताकि जो है ना वो टेम्पटिंग लगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। अब हमने इसको शर्त ये है कि इसको अगर आपने खुद भी खाना है ना तो फुली आपने इसको जो है ना वो चिल्ड करके खाना है। और आप इसकी शक्ल देख सकते हो, माय गॉड ओ माय गॉड, जो जो मैंगो लवर्स है ना उनके लिए तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो अभी ये जा रहा है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, बल्कि फ्रीजर में जा रहा है क्योंकि मेरे बच्चे वेट नहीं कर सकते। तो ये ठंडा होता है, उसके बाद जो है ना बच्चों को टेस्ट करवाएंगे और बच्चों का लेंगे रिव्यू। चलें अब निकलेगा, बिस्मिल्लाह, ओ माय गॉड, नीचे अभी हम टेस्ट करवाएंगे मारिया को। मारिया बल्कि आप खुद टेस्ट करो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलें जी, मारिया टेस्ट करने जा रही है। आवाज भी आ रही बहुत मजे कर रही, रुक रहा था, खाओ ना। क्या कैसा टेस्ट लग रहा है? बहुत मजे का है, बहुत जूसी 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 जूसी। चले जी, बच्चों को जाना वो डिजर्ट इस वक्त खिलाते हैं, खाना वगैरह जाना इन्होंने खा लिया है। ओह माय गॉड, वाओ जी मामा, हमने खाना खा लिया, चलो जल्दी से डिजर्ट दे दो। तो डिजर्ट को हमने निकाल के फ्रिज से रख लिया है और डिजर्ट आप चेक करें क्या यमी लग रहा है, क्या टेम्पटिंग लग रहा है। तो अभी हम जो है ना इसको निकालते हैं प्लेट्स में। Oh my God. तो यहाँ पे गाइस हो चुका है शाम का टाइम और बच्चे जो है ना वो मीठा वगैरह खा के जा चुके हैं बाहर खेलने के लिए। तो गाइस बच्चे जो है ना वो बाहर खेल रहे हैं और मैं जो है ना वो आसिम को बना के दे रही हूँ चाय। तो गाइस यहाँ पे जो है ना बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मस्ती नहीं करो। अच्छा, यहाँ पे रेडी हो चुकी है आसिम की चाय। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।